देख लो चैनल मोनेटाइज है और इस पर ऐड भी आ रहे हैं, इसीलिए ये ऐड जो आ रहे हैं ना बहुत खुशी मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर और रीयूज्ड कंटेंट अगर आपके चैनल पर आया हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान हो आप, आपको पता नहीं चल पा रहा कि किस वीडियो पर है, या फिर आपका चैनल पहले मोनेटाइज था, एक दो पेमेंट भी मिल गई है, उसके बाद आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, अब आपके डिसेबल हो गए हैं एडसेंस अकाउंट और आपका कुछ डॉलर भी फंसा हुआ है, तो कैसे उन सब तरीकों को सही करना है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। एक एक चैनल चेक करके आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैंने कुछ चैनल सेलेक्ट कर रखे हैं, उन चैनल को चेक करूंगा और आपको यह भी दिखाऊंगा कि मैंने चैनल को मोनेटाइज भी करवा दिया है, उनको जो जो चीजें बताई थी उन्होंने वो सारा स्टेप फॉलो किया, वो सारा स्टेप फॉलो करने के बाद उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब किसी का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ये सारी वीडियो जो भी बना रहा हूं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब आप रीयूज्ड कंटेंट को फेस कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 4000 घंटे किसी तरीके से कंप्लीट करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर होता है, उसके बाद मोनेटाइज होता है और फिर मोनेटाइज बंद हो जाए या फिर मोनेटाइज ही ना हो पहली बार में ही, तो बहुत दुख होता है। क्यों होता है, रीयूज्ड कंटेंट कैसे आता है, क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन आज की इस वीडियो में फाइंड कैसे करते हैं, हटाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सारा डिटेल मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आओ स्क्रीन पर, यहां पर मैं स्क्रीन ओपन कर लेता हूं, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है और मैंने कुछ वीडियो यहाँ पर निकाल रखे हैं कुछ चैनल के। ठीक है, तो एक चैनल ये है Y2JennySort और इन भाई ने कहा मेरा चैनल देख लो सर, तो मैंने कहा ठीक है आप लोगों को भी बता दूं और इनके चैनल को भी देख लेता हूँ। तो अब इन्होंने अपने चैनल पर सारी शॉर्ट की वीडियो डाल रखी है मोस्टली। ठीक है, तो यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो मोनेटाइज नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले नहीं करता, बाद में कर देगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन चैनल जब तक मोनेटाइज नहीं है तब तक आपका शॉर्ट का वॉच टाइम काउंट नहीं करेगा, तो वॉच टाइम काउंट नहीं करेगा, तो शॉर्ट की वीडियो डालना बेकार है जब तक चैनल मोनेटाइज ना हो। आप शॉर्ट की वीडियो डाल सकते हैं लेकिन कम से कम 59 सेकंड से ज्यादा की हो, 60 सेकंड से ज्यादा की हो, और शॉर्ट वीडियो को आप शॉर्ट में ना अपलोड करें, डायरेक्ट अपलोड करें यूट्यूब से। ठीक है, तब आपका वॉच टाइम भी काउंट होगा, ये ध्यान में रखना। तो इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट इसीलिए आया है क्योंकि इनका कोई कंटेंट नहीं है। यहां पर देखो तुम, ये वीडियो इन्होंने डाल दी है और इस वीडियो की अगर मैं आवाज सुनूं यहां पर, तो मैं आवाज तो आपके सामने सुन लेता हूं। देखो यहां पर ये कार है और इस कार में इनका क्या कंटेंट है, इन्होंने कुछ नहीं बनाया है, अपना पर्सनल कुछ नहीं डाला है, तो ऐसे चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता। देखो सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, इस फंडे को ध्यान में रख लो कि चैनल उन्हीं के मोनेटाइज होंगे जिनके चैनल पर इनका वॉइस होगा या फिर उनका फेस होगा, दो चीज, या फिर आपका पर्सनल कंटेंट हो और आप पैसे देकर कोई चीज बना रहे हैं वो आपका कंटेंट होगा, आपका पर्सनल म्यूजिक हो, आप खुद गाना गाते हो, इन सब तरीके के चैनल है तब मोनेटाइज होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद एक और चैनल मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं, राधिका क्रिएशन करके ये चैनल है और इनके 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है और इनका चैनल मोनेटाइज था पहले, अब मोनेटाइज हट गया है और पैसे भी अब नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत परेशान है, और चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद डीमोनेटाइज हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो अब मैं इनके चैनल पर सबसे पहला जो चेक करने का तरीका है आप सबको पता ही है, नहीं पता तो जान लो, सबसे पहले अपने चैनल पर जाओ और इस तरीके से जब इंटरफेस दिखे तो वहां पर तुम्हें क्या करना है कि चैनल के शॉर्ट बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, यहां पर शॉर्ट बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करो, उसके बाद यहां पर इन्होंने 10 महीने पहले एक वीडियो डाली जिस पर 43 लाख व्यूज हैं और इस वीडियो को हम यहां पर चेक करेंगे। और ये देखो इनके वीडियो में इनकी वॉइस है, मैं यहां पर सुन पा रहा हूं इनकी इस वीडियो में वॉइस है, तो वॉइस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगर रीयूज्ड कंटेंट आया हुआ है इनके चैनल पर तो फाइंड कैसे करना है। ये वीडियो जैसे देख पा रहा हूं यहां पर, इस पर है 31,057,609 व्यूज है इस पर। ठीक है, लेकिन इस पर इन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग डाल रखा है, इस पर प्राइस लिख रखा है और इस पर इनका कोई कंटेंट नहीं है, गाना है और फोटो उठाया, तो ये रीयूज्ड कंटेंट है। ठीक है, रीयूज्ड कंटेंट इसी टाइप की वीडियो होती है जिस पर आपका फोटो हो, आपका गाना हो और फेस आपका ना हो या फिर वॉइस ना हो, तो ध्यान में रखना ये रीयूज्ड कंटेंट है। इस वीडियो को इन्हें करना होगा डिलीट, चाहे 31 लाख हो या फिर 20 लाख हो या फिर 1 व्यूज हो, डिलीट ही करना पड़ेगा, बिना डिलीट किए हुए मोनेटाइज नहीं होगा। और डिलीट करने का तरीका मैंने बताया है, अगर नहीं पता है कि डिलीट कब करना है मोनेटाइजेशन में भेजने के पहले कब कैसे करना है, तो ऊपर एक बटन दे वीडियो दे दिए, इस वीडियो को देख लेना। दूसरी वीडियो यहां पर देख लेता हूं इनकी, और देखो आर्टिफिशियल बैंगल्स डिजाइंस बाय धवन ज्वेलरी, तो
ये भी जो वीडियो है इस पर भी मुझे नहीं लगता कि इनके इस पर सॉन्ग नहीं, मतलब वॉइस है इनकी, इनकी वॉइस नहीं है इस वीडियो पर भी। तो अब यहाँ पर इनकी वॉइस नहीं है, ये रील्स की वीडियो है और रील्स पर पहले अपलोड करके फिर यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, तो नहीं। ऐसे सारे वीडियो इस टाइप के जितने भी हैं आपके रीयूज्ड कंटेंट में ही आएंगे। ये वीडियो बहुत अच्छी है जो कि 2 मिनट की वीडियो आपने बनाई है जिस पर 43 लाख व्यूज हैं, और मेरा ऐसा आपको सजेशन रहेगा इसी टाइप की वीडियो आपको अपलोड करना है। और आपको बता दूं कि ये जो आपने थंबनेल यूज किया है, यही थंबनेल आपने यहां पर भी यूज कर लिया है, तो थंबनेल इससे भी चेंज फर्क पड़ता है, तो इस थंबनेल को करना होगा चेंज आपको। थंबनेल अगर एक जैसा ही कर दोगे तो रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा, दिक्कत होगी, तो थंबनेल यहां पर इसे भी आपको करना होगा चेंज। ये देख लो, तीसरा थंबनेल आपने यूज कर लिया है जो कि एक जैसा ही थंबनेल है, 1, 2 और ये 3, 3 थंबनेल आपने एक जैसा यूज किया, नहीं ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है और बिल्कुल एकदम से सेम टू सेम जो भी थंबनेल है उसे चेंज करना होगा आपको। पहला चीज आपको ये काम करना है, और दूसरा बताया आपको वीडियो डिलीट करनी जिस वीडियो में आपका वॉइस नहीं है, और चौथी चीज कि आपको अपने चैनल पर जब मोनेटाइजेशन के लिए दोबारा भेज रहे हो, आपकी एक न्यूएस्ट वीडियो देख लेता हूं, यहां पर आर्टिफिशियल बैंगल्स ये देख लो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, आपने अपना वॉइस डाल रखा है, लेकिन आपको एक वीडियो ऐसी बनानी है जिस वीडियो में आपको अपना फेस दिखाना है और आपकी वॉइस उसमें हो, ठीक है। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको एक वीडियो बनानी है, अपने चैनल पर डाल देनी है ताकि यूट्यूब को लगे कि जो पीछे से बैकग्राउंड वॉइस होती है वो आपकी होती है, किसी दूसरे का या आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये काम आपको करना है, आपका चैनल जब आप मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई करेंगे डेफिनेटली 10 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया जो बताया था ट्रिक काम कर गई, और मैं सिर्फ बताता हूं और आपको करना होता है मेहनत, आपको थोड़ा बहुत करना है, मैं आपको सारी नॉलेज दे सकता हूं लेकिन करना तो आपको है। अब बहुत लोग कहते हैं सर मेरे चैनल को देख लो, तो बहुत से लोगों के चैनल को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनके चैनल को कोशिश करता हूं कि देख कर बताऊं उनको पूरी सजेस्ट करूं, ठीक है। तो यहां पर इनको बता दिया, तीसरा चैनल एक ओपन कर रखा है मैंने, फैशन चैनल निशा के नाम से है, और इनके चैनल पर वीडियो डाल रखी है इन्होंने बहुत सारी, और एक यहां पर चैनल पर इनकी वीडियो में देख पा रहा हूं, यहां पर ओपन करता हूं और गाना आप सुन लेता हूं। ये इन्होंने 5 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिस पर इनकी वॉइस है, और अभी इन्होंने 14 अगस्त को एक वीडियो मान लो अपलोड किया है जो वीडियो पर इनकी वॉइस है, तो ये वॉइस ठीक लग रही है मुझे। और यहां पर अब हम दोबारा से एक बार चेक करेंगे इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट कहां से आया है, किस वीडियो पर है, तो सॉर्ट बाय पर क्लिक करेंगे, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर 28 लाख व्यूज आए हैं एक वीडियो पर जिस पर 40 सेकंड की वीडियो अपलोड की है 9 महीने पहले। तो इस वीडियो को हम यहां पर ओपन करता है, और ये वीडियो है रीयूज्ड कंटेंट। ये वीडियो इन्होंने इसलिए नहीं डिलीट की होगी क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन इस व्यूज का क्या फायदा, जिस व्यूज से आपका चैनल ही डीमोनेटाइज हो जाए, जिस व्यूज से आपको पैसे ही ना मिले, तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये रीयूज्ड कंटेंट है, इस पर इसलिए बोल रहा हूं रीयूज्ड कंटेंट है क्योंकि इनका सिर्फ फोटो यूज किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया है, ना कि अपना कोई वैल्यू डाला है, तो इसलिए ये रीयूज्ड कंटेंट में आएगा और इसे डिलीट करना ही पड़ेगा। रीयूज्ड कंटेंट का मतलब ये है कि आप अपना वैल्यू कुछ ऐड करें, कुछ दूसरे के कंटेंट को अगर यूज करते हैं तो, इसीलिए रीयूज्ड कंटेंट होता है, ठीक है। और यहां पर एक और वीडियो देख लेता हूं इनका, दो वीडियो सबके चैनल को देख लो, तो ये भी रीयूज्ड कंटेंट है भैया, इसे भी निशा जी आपको डिलीट करना पड़ेगा अगर आपका चैनल है तो, और निशा जी है या जो भी है जिसके नाम से चैनल है, बट डिलीट करना पड़ेगा आपको। अब यहां पर एक और चैनल है, इसमें है अलिमी फ्रेश मीडिया, और इस भाई ने भी मुझे मैसेज किया कि सर देख लो प्लीज मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दो। अब इनके चैनल पर मोनेटाइज कैसे नहीं हो रहा है या डीमोनेटाइज हो गया, क्यों हो गया, सारी चीजें बताता हूं एक एक। देखो 4 लाख व्यूज है इनके एक वीडियो पर, और तन्हा मेरे हुसैन इस पर इन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, देखो यहां पर ये वीडियो देख लिया आपने, ये वीडियो आपने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहां पर क्लिक करूं तो एक वीडियो और आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखो। अब YouTube इनका ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि भैया ये तुम्हारा कंटेंट है या किसी और का उठा के डाल रहे हो, तो इस पर इन्हें कंफर्म करने के लिए इन्हें एक टाइप की वीडियो डालनी पड़ेगी। ये तो जहां जा रहे हैं वहीं पर वीडियो उठाकर अपलोड कर दे रहे हैं, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये जो वीडियो डाल रहे हैं हो सकता है ये कहीं और भी वीडियो पड़ी हो यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, इसलिए आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको जो वीडियो आपने उठाई हुई है उस वीडियो में किसी दूसरे का कंटेंट कहीं से ऑलरेडी पहले से
तो नहीं है, अगर होगा तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। रीयूज्ड कंटेंट आपके चैनल पर फाइंड करना बहुत मतलब कठिन काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं फाइंड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, बता दूंगा आपको किस किस पर रीयूज्ड कंटेंट है। तुम अपने पास अदालत का फैसला रखो, ये देखो। अब ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, वहीं से आपने उठा के अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से डिलीट कर देना, अगर अपलोडेड है तो अपने यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आपको काम करना है। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके चैनल को हमने मोनेटाइज करवाया है और इन्होंने अपने चैनल पर क्या क्या चीज़ें की थी, आपको बताता हूँ, और इनका चैनल एक बार में ही मोनेटाइज हो गया, आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, इनके मैसेज को भी दिखाऊंगा, इनके पूरी डिटेल को दिखाऊंगा और इनके चैनल को दिखा रहा हूं। इनका चैनल का नाम है कथक बनाए बनानी, और ये एक्चुअली क्या है ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट समझ लो, इनकी आवाज बहुत अच्छी है और ये वीडियो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, नो डाउट। और यहां पर वीडियोज पर क्लिक करता हूं, ठीक है, और इनका कुछ दिन पहले इनके वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया था, जबकि इनका चैनल मोनेटाइज था, इन्हें पैसे भी मिल गए थे, बट इनके चैनल पर अब रीयूज्ड कंटेंट आ गया, परेशान थे, मैंने इनको बताया टेंशन बिल्कुल ना लो, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो इनको मैंने बहुत सारी चीजें बताई, इनको बहुत सारी चीजें ये बताई कि इनके मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर अभी आप देख सकते हो 13,000 व्यूज हैं इस वीडियो पर, इनके एक वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज थे, शायद लाखों में थे, उस वीडियो को मैंने डिलीट करवाया, और उसके बाद इनसे मैंने कहा कि प्लीज आप अपने चैनल पर अपने वॉइस के साथ में वीडियो डालो, और वॉइस के साथ में वीडियो डालने के बाद सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो को डिलीट करो, डिलीट करवाया इनके चैनल से, डिलीट भी किया इन्होंने। और उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि आप अपने फेस की 1-2 वीडियो डालो, क्योंकि वॉइस आप दे रहे हो और फेस आपका जब आ जाएगा तो मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। तो इन्होंने यहां पर एक फेस की वीडियो भी बनाई है, आई थिंक सो, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देख लो चैनल मोनेटाइज है और इस पर ऐड भी आ रहे हैं, इसीलिए ये ऐड जो आ रहे हैं ना, बहुत खुशी मिलती है जब किसी का चैनल अगर मेहनत करो और मोनेटाइज हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनका फेस भी मैं देखना चाहूँगा कि फेस इनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस वाली वीडियो पर इनका फेस नहीं आ रहा, मैं दूसरी वाली वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो पर इनके फेस को मैंने यूज चलवाया था कि भैया आप फेस कैम बनाओ, एक वीडियो दो वीडियो, तो इन्होंने फेस की वीडियो बनाई भी थी नो डाउट। और यहाँ पर मैं एक मोस्ट पॉपुलर पर नहीं, न्यूएस्ट वीडियो पर क्लिक, न्यूएस्ट वीडियो पर क्लिक करने के बाद इनसे मैंने जिस वीडियो पर कहा था फेस आप बनाइए, तो देख लेते हैं किस वीडियो पर इन्होंने फेस बनाया, क्योंकि बहुत सारी वीडियो इन्होंने अपलोड कर दी है और आई थिंक सो कि ये इस पर भी फेस नहीं है, तो फेस फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देख लेते हैं। ये वीडियो देखो, इस वीडियो में आई थिंक फेस है, ये वीडियो मैंने क्लिक किया ना, और इनका फेस इस वीडियो में दिखना ही चाहिए, आई थिंक दिखेगा, अगर ये देखो ये इनका फेस आ रहा है, ठीक है, और ये फेस आ रहा है, और ये देखो ये मैं सुन लेता हूं इनकी वॉइस, ये मैंने इनसे बोला था कि आप एक फेस वीडियो बनाइए, और अब आपको साइड में दिख भी रहा है इनका मैसेज, तो इन्होंने बताया कि सर मुबारक हो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने इनको बोला और इन्होंने बताया सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दिया, और ये सारी चीज़ें जो बताई ना आपको इतनी देर वीडियो में, ये सारी जेन्युइन चीज़ें बताई, ये यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताने वाला, इस तरीके से नहीं बताएगा, इस टॉपिक पर कोई नहीं बताएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्यों, क्योंकि आप यूट्यूब पर आए हैं पैसे कमाने के लिए, कहीं ना कहीं आपके मन में है, आप कोई यहाँ पर दान पुण्य करने नहीं आए हैं यूट्यूब पर, जहाँ तक मुझे लगता है, 100 में से 1% कोई बोल सकता है कि एक बंदा बोल सकता है सर नहीं मैं तो अब पैसे दान करने आया हूँ, मैं यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ, मैं संदीप महसूरी बनना चाहता हूँ, तो आप बन सकते हैं, तब फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए सीरियस हैं तो आपके लिए वीडियो थी, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि रीयूज्ड कंटेंट फाइंड करना कितना आसान है। देखो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, तब आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो तो कर ही लो, मैसेज जब आपको कोई तकलीफ हो परेशानी हो तो करना, फिर उसके बाद सलूशन उसका देखा जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, थैंक यू सो मच।